हेलो, वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? जो पोलनस होते हैं, पोलनस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो एंथर जो होता है, तो यहाँ पे ये पोलनस प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए इनको क्या करना होता है? इनको ट्रांसफ़र होना होता है स्टिग्मा पे, फिर ओरी तक जाता है। तो इस तरीके से मैंने चार्ट यहाँ पे दिखाया है। ये जो पोलनस होते हैं ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाती हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये यहाँ पे लैंड करते हैं। ये जो पोर्शन होता है इस पिस्टल का, ये पूरा पिस्टल है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट एरिया जो होता है इसका पिस्टल का, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो यहाँ पे ये वाले जो है ये है पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जब हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा है, ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये बना होता है दो लेयर्स का। एक होता है एग्जाइन, जो बाहर बाहर का लेयर होता है, दूसरा जो होता है इंटाइन। ये जो एग्जाइन जो होता है ये बहुत ही टफ होता है, क्योंकि ये बना होता है स्पोरोपोलोनिन, उसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं जिनको बोलते हैं एपर्चर्स, या इनको बोलते हैं जर्म पोरस। तो यही से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये जर्मिनेट स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये जर्मिनेट होके सीधे यहाँ तक ओरी तक आते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ट्यूब जो बनता है ओरी तक आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स का, मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रिएट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो ये जो होता है, जब पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाती है, तो पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाता है। ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए स्टिग्मा पे, तो यहाँ से इसने पोलन ग्रेन ने जर्मिनेट किया, तो ये पोलन ट्यूब बन गया है। तो उसके बाद क्या होता है, जो कंपैटिबल होता है, मतलब कंपैटिबल वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जो लाइक करते हैं, जो स्टिग्मा जो होता है उसी को एलो करता है, जो कंपैटिबल होता है। जो इसको एलो नहीं करता उनको बोलते नॉन कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स। ये जो स्टिग्मा जो होता है उसी को एलो करता है, उसी को ग्रो होने देता है जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो वही क्या है, वही फिर ग्रो होके स्टाइल से जाके प्लेसेंटा तक जाते हैं। यहाँ पे ओवल्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं प्लेसेंटा के साथ। ये वाला जो रीजन जो होता है इसका पिस्टल का, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है इस पोलन पिस्टल में। सबसे पहले जो होता है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये स्टिग्मा के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्टिग्मा के सरफेस होता है यहाँ पे अटैच होते हैं पोलन ग्रेन्स। इसके बाद क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है ये एग्जुडेट करता है, मतलब ये जो स्टिग्मा जो होता है ये एग्जुडेट करता है। एग्जुडेट मतलब क्या होता है, सिक्रेट करता है। जब भी कोई चीज़ जर्मिनेशन होना होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है वाटर। तो ये जो स्टिग्मा जो होता है यहाँ से कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं यहाँ पे जो लैंड किया है इसके सरफेस पे, इनको पानी मिलता है, ये हाइड्रेट हो जाते हैं। जब ये हाइड्रेट हो जाते हैं वो जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन के बाद वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। तो कुछ फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, ये स्टिग्मा में भी सिक्रेट होते हैं और इस पोलन ग्रेन से भी सिक्रेट होते हैं। ये कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इस पोलन ट्यूब को ग्रो करने में हेल्प कर देते हैं। इसके साथ जो होता है, जो पोलन ग्रेन जो होता है उसको प्रमोट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा के सरफेस पे। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं इस पोलन ट्यूब को और इसकी ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प कर देते हैं। अब जो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं जिनको बोलते हैं AGPs,
तो ये जो AGPs, इसका मतलब होता है एमिनो गैलेक्टो प्रोटीन्स। इनका काम क्या होता है, जैसे पोलन आते हैं स्टिग्मा पे, उनको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, क्योंकि हर किसी पोलन को स्टिग्मा एंटर नहीं होने देता है अंदर। तो ये क्या करते हैं, AGPs क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं यही कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स है या नहीं है। तो जब ये जो AGPs जो होते हैं, जब इसको अलाउ कर देते हैं, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है AGPs का, ये क्या काम कर देते हैं, इसको एडहेशन, मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं, उस अटैच में ये जो AGPs जो होते हैं ये हेल्प कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब जो होता है, इसको न्यूट्रिशन सर्व, मतलब न्यूट्रेटिव मॉलिक्यूल सर्व कर देते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब जो होता है, इसकी जो ग्रोथ हो जाती है, ये फॉर्मेशन इसकी होती है थ्रू जर्म पोर, जो मैंने यहाँ पे बोला है, जो एक्साइन आउटर लेयर जो होता है, जहाँ पे पोरस होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जर्म पोर। तो यही से क्या होता है, यही से इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। ये फिर कहाँ पे जाता है, ओरी में। ओरी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब्स जो होते हैं ये इलांगेट हो जाते हैं बराबर ओव्यूलस तक। ओव्यूलस किसके साथ अटैच होते हैं, प्लेसेंटा के साथ होता है। लेकिन ये जो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल में ये एंटर हो जाता है पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से, मतलब यहाँ पे मैंने ये जो ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ये ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने बनाया। तो ये जो इसका जो मतलब इसकी फॉर्मेशन और इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इसकी फॉर्मेशन भी कैसे होती है वो भी मैंने बताया है। ये इंटिग्मेंटस होते हैं, इसके माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे चलाजल एंड होता है। तो ये जो ये पोलन ट्यूब्स जो होते हैं, ये क्यों ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स में गैमेट्स होते हैं। तो जब ये एंटर हो जाता है, ये एंटर हो जाता है माइक्रोपाइल एंड से। तो यहाँ ये माइक्रोपाइल एंड, जो माइक्रोपाइल एंड जो होता है, इसमें भी कुछ सिक्रेशन निकलते हैं। वो सिक्रेशन जो होते हैं, वो ग्लाइकोसिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो पोलन ट्यूब्स जो होते हैं, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल ये जो एंड जो होता है, ग्लाइकोसिलेटेड कंपाउंड्स की सिक्रेशन निकलते हैं, जो इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर देते हैं। इसके साथ साथ जो होता है, जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ये जो सिनर्जिड्स जो होते हैं, जो सिनर्जिड्स, ये एक सिनर्जिड होता है, ये एक सिनर्जिड होता है, तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये भी गाइड कर देता है इस पोलन ट्यूब को इस एम्ब्रियो सैक तक जाने में, क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब जो होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, ये इसी में जो होता है, ये सिनर्जिड्स होते हैं, ये होती है एग सेल। एग सेल जो होता है, यहाँ से ही ये मतलब एम्ब्रियो सैक में ही वो होता है, इसका फीमेल गैमेट्स होते हैं इसमें। तो ये यहाँ तक पोलन ट्यूब क्यों फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कर देता है यहाँ तक। तो यहाँ पे जो सिनर्जिड्स जो होते हैं, ये सिनर्जिड्स जो होते हैं, इसमें हाई कैल्शियम जो होता है, वो इस ट्यूब को यहाँ तक पहुँचने में, इस एम्ब्रियो सैक तक पहुँचने के लिए गाइड कर देता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।